हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हल्दी वाले दूध पीने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप हर दिन रात में सोने से पहले एक ग्लास हल्दी का दूध पीते हैं तो आपको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हल्दी वाले दूध पीने क्या क्या फायदे होते हैं। पहली बात तो हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन और उसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप हर दिन हल्दी वाले दूध का सेवन करते हैं, हर दिन हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो आपको बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप हल्दी का दूध पीते हैं तो हल्दी का दूध क्या करता है, आपको आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपके डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, अपने डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए अगर आप हर दिन हल्दी वाला दूध पीते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे कभी कभी मैक्सिमम लोगों की यही शिकायत होती है कि रात में हमें नींद नहीं अच्छी आती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आज से रात में कम खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। खाना खाने के एक घंटे बाद हल्दी वाला दूध बनाइए, हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए, तब देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है और कितनी अच्छी नींद आपको आती है, क्योंकि डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। मेरी नींद क्यों नहीं आती है, खाना सब सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, या फिर हमारा फूड प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं हो पाता है, या फिर हम ऐसी कोई चीज खा लेते हैं जो हमारी बॉडी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो है हमें नींद नहीं अच्छी आती है। तो अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा, आपको नींद अच्छी आने लगेगी। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप हर दिन हल्दी वाला दूध पीते हैं तो आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, आजकल लोग ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से ज्वाइंट पेन जैसी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एक बूढ़ा हो, हर किसी के ज्वाइंट में पेन हो रहा है। ज्वाइंट में पेन ग्रीस की कमी की वजह से भी होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब लुब्रिकेशन की वजह से भी ज्वाइंट में हमारे पेन होता है। मतलब जैसे कि हमारी जैसे कि जॉइंट है, एक ये ऐसे गैपिंग होती है और फिर वो बेंड होते हैं, तो अगर उसमें मतलब जैसे लुब्रिकेशन है, बड़े ग्रीस की कमी हो रही है, तो इसकी वजह से कट कट की आवाज भी आती है और पेन भी होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, मतलब जैसे कि जिसकी एज हो जाती है तो उसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अब एक बच्चे के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब क्या कमी है, हो सकता आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है या फिर आपके अंदर कुछ न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, इसकी वजह से ही ज्वाइंट पेन होता है। तो ज्वाइंट पेन को ठीक करने के लिए भी आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, इससे आपको ज्वाइंट पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है वो ये है, इम्प्रूव द स्लीपिंग पैटर्न। वो तो स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर आपको ऐसा लग रहा हमें नींद नहीं आती है, नींद ना आने की शिकायत है, तो आज से ही अपने डेली की रूटीन में, डेली के डाइट में। नेक्स्ट है वो है कैंसर। ये हल्दी वाला दूध कैंसर सेल से फाइट करता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करता है। कैंसीरियस सेल से फाइट करेगा तो ये आपको कैंसर से प्रिवेंट करने में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करता है। इसीलिए अगर आप हर दिन हल्दी वाला दूध पीते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कैंसर होने से प्रिवेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है वो ये है, स्ट्रॉन्ग द बोन, हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। कैल्शियम की कमी है, ग्रीस की कमी है, लुब्रिकेशन की डिफिशियंसी, कुछ भी हो, हर चीजों को ये सॉल्व करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर हर दिन दर्द हो रहा है तो आप हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दिए, कुछ दिन में आपको रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है वो है वेट लॉस। मतलब पूरी तरीके से तो वेट को नहीं कम करेगा, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, बट हाँ एक स्टेप होता है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हर प्रकार की डिजीज को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपका वेट भी बहुत ज्यादा है तो अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो कहीं ना कहीं ये वेट को मैनेज करने में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है वो है हार्ट हेल्थ।
मतलब हमारे हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा होता है, हल्दी हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर आप हर दिन हल्दी वाला दूध पीते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर रहे हैं। ऐसा होता है कि हार्ट के पेशेंट को नहीं दिया जाता, दूध नहीं दिया जाता, और वो भी बहुत ज्यादा क्रीम वाला जिसके अंदर बहुत ज्यादा मलाई होती है वो दूध नहीं दिया जाता है, फैटी दूध नहीं दिया जाता है, और जो मलाई निकाल कर दूध वो दिया जाता है। तो अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हल्दी वाला दूध पिए, आपका हार्ट बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है वो है कॉमन कोल्ड। जैसे मौसम बदलता है, कभी ठंडा मौसम होता है तो कभी गर्मी आ जाती है, तो इसमें क्या होता है हमारी बॉडी भी उस मतलब उस सीजन में खुद को प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाती है। ऐसा जुखाम होना तो कॉमन हो जाता है, बार बार जुखाम हो रहा है ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। गर्म गर्म पीना है, एकदम मतलब नॉर्मल पीना है, गुनगुना करके पीना, एकदम खोलता हुआ भी नहीं पीना, गुनगुना कर लीजिए और हर दिन पीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप अपने आप को जो है कॉमन कोल्ड से भी प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत सारी होने वाली प्रॉब्लम से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। पहले के लोग हल्दी कहीं तो यूज करते थे, हल्दी प्याज इन सब चीजों का, कभी चोट लग जाती थी इंटरनल चोट या ऐसी कोई भी चोट, तो उसमें क्या करते थे हल्दी बांध देते थे, उसी से वो बीमारियों को सही करते थे। तो सोचिए हल्दी कितना ज्यादा उसका बेनिफिट होता है। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन जैसी कोई प्रॉब्लम है उसे कम करने के लिए भी आप हल्दी का यूज कर सकते हैं। अगला है वो है बूस्ट द, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जिससे हमारी बॉडी इजिली किसी भी प्रकार के पैथोजन से फाइट करने की कैपेसिटी उसके अंदर बढ़ जाती है। अगला है वो है पीरियड पेन। जैसे फीमेल लड़कियां जो होती हैं पीरियड के समय बहुत पेन होता है क्योंकि प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हो पाती है या फिर ब्लीडिंग रुक रुक के होती है तभी पीरियड के समय पेन होता है। तो अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं ऐसे मतलब पीरियड के समय तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी लड़कियां ये वीडियो सुन रही हैं या कोई मेल भी सुन रहे, अगर आपके घर में कोई भी फीमेल है तो आप उन्हें ये सजेस्ट करिए कि आप हल्दी वाला दूध पी दीजिए, आपको मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लास्ट है वो है गुड फॉर स्किन, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो इससे आपकी स्किन भी ग्लोइंग बनती है, आपके स्किन पे ग्लो आता है, आप खुद को एंटी एजिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपने हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज से ही हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे बनाना है, एक ग्लास बनाना है आपको, तो एक ग्लास दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और चुटकी भर हल्दी डालिए, बहुत ज्यादा नहीं डालना, चुटकी भर डालना बस, और उसको बॉईल करिए जब तक दूध अच्छे से उबल ना जाए। उसके बाद आप थोड़ा सा गुनगुना ही रहे पी लीजिए, पीने के बाद उसे पानी नहीं पीना, पीने के बाद आप सो जाइए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मतलब 10 दिन के अंदर ही अच्छे से अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप भी हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको वो सारे बेनिफिट्स मिले जो हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।